हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है हिंदी रेसिपीज में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी तवा पुलाव और ये भी बताऊंगी कि तवा अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल, तो कोई भी लंबा वाला चावल आप यूज़ करें तो सबसे बेस्ट चॉइस है बासमती चावल। तो बासमती बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई भी अच्छा वाला बासमती आप यूज़ कीजिए। एक से दो बार चावल को धो लीजिए। अगर आपके पास समय हो तो इसे आप 1 से 2 घंटे भिगो दें, वरना आप सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई या फिर भगोने में पानी उबालें और इसमें डालें 3 से 4 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि पानी जो है हम ये फेंकने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा नमक डालेंगे तब जाकर आपके चावल में एकदम सही नमक होगा। वैसे बाद में तड़के के समय तो हम नमक डालेंगे ही, पर इस समय डालेंगे तो नमक का जो स्वाद है अच्छे से चावल में लग जाएगा। चावल को पकते समय बहुत ज़्यादा चलाएं नहीं वरना ये टूट सकता है। बहुत ही हल्के हाथ से चलाएं अगर ज़रूरत है। चावल पक जाने के बाद आप इसे छान लें, यानी जो पानी है वो अलग कर दें। चावल को यूज़ करने से पहले अगर आप 15 से 20 मिनट छोड़ सकते हैं तो इससे आपका चावल बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से चावल को आप फैला लें और इसे साइड में रख दें। चावल तो हमारे बन गए हैं, इसे रख देते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे। तवा पुलाव बनाने के लिए स्ट्रीट साइड पर जो ठेले वाले होते हैं वो बड़ा सा लोहे का तवा यूज़ करते हैं। इतना बड़ा तवा नॉर्मल घरों में तो होता नहीं है, तो वही स्वाद लाने के लिए आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। कढ़ाई गरम करें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून मक्खन। मध्यम आंच पर मक्खन को पिघलने दें और फिर डालें 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा चटकने के बाद डालें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी हो जाने तक फ्राई करें और फिर डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब पेस्ट डालने के बाद भी हमें चलाना है जब तक कि जो कच्ची स्मेल है अदरक और लहसुन की वो चली ना जाए। इसमें आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। उसके बाद डालें शिमला मिर्च। 1 मिनट तक चलाएं और फिर डालें हल्दी। तो हल्दी है तकरीबन 1/8 टीस्पून, यानी जो 1/4 होता है उसका आधा अंदाजे से आप डाल सकते हैं। 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप फूल गोभी, 1/2 कप मटर, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ ब्याडगी। आप कश्मीरी यूज़ कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा कलर आता है और तीखापन कम होता है। तो लाल मिर्च अगर आप तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो कम कीजिए, अपने टेस्ट के अनुसार कीजिए। अब अगला स्टेप है इन सब्जियों को पकाना। तो सब्जियों को आप पकाएं धीमी से मध्यम आँच के बीच में। बीच बीच में सब्जियों को चलाते रहें, मिक्स करते रहें, वरना जो सब्जियाँ हैं नीचे चिपक जाएंगी। ज़रूरत के अनुसार पानी डालें। तो पहले हमें एक तरह की पाव भाजी यहाँ पर बनानी है। सब्जियाँ अच्छे से गल जानी चाहिए। सब्जियाँ अच्छे से गल जाने पर आप एक मैशर से इस तरह से सब्जियों को मैश कर लें। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बारीक करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार जैसा आपको पसंद है आप उतना बारीक या मोटा रख सकते हैं। फिर डालें 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, जिसे मैश करके आप डालें। 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। फिर डालें चावल। चावल डालने के बाद आप बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करें। अगर आपके पास लकड़ी का स्पैचुला है या फिर सिलिकॉन का है तो उससे मिक्स करें, बाहर से अंदर की तरफ हल्के हाथ से। अगर आपको लग रहा है कि जो पूरा मिश्रण है ये सूखा हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में काफ़ी कम मक्खन का इस्तेमाल किया है। आप मक्खन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर मक्खन और तेल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जब हम स्ट्रीट पर ठेले पर ये पुलाव खाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल होता है, तो आप अपने हिसाब से तेल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कभी कभार खाई जा सकती है, या फिर जैसा मैंने बनाया है आप वैसे बना सकते हैं मक्खन के साथ, थोड़े से मक्खन के साथ। इसे आप परोसे प्याज के साथ, नींबू के साथ, गर्मा गर्म। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसे आप ताज़े चावल की जगह बचे हुए चावल के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।